करूंगी कि कृपया अपने जूते पैर से उतार दें, और मोजे भी उतार दें अगर मोजे पहने तो। बहुत सहज सरल विधि है कुंडलिनी के जागरण की। उसको कोई विशेष द्राविड़ी प्राणायाम करने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से ये कार्य घटित होता है। सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आप भी इसका जागरण कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कल कि ये हमारी इच्छा शक्ति है और ये हमारी क्रिया शक्ति है, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसे आप मेरी ओर ऐसे करें, जिसका मतलब ये होगा प्रतीक रूप से कि आपकी इच्छा है कि आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं, और ये वाला हाथ जो है इसे आप हृदय पे रखें। यह हाथ पूरी समय मेरे ओर रहे, दोनों पैर जमीन पर समांतर रखें। हृदय में आत्मा का स्थान है जैसे मैंने बताया, पेट में लेफ्ट साइड में ही सारा काम होने वाला है, इसलिए लेफ्ट साइड पर हमारा गुरु तत्व है। उसके बाद नीचे में स्वाधिष्ठान चक्र का शुद्ध विद्या का स्थान है, जिससे आप शुद्ध विद्या को जान सकते हैं, और अगर किसी मैली विद्या से आप पीड़ित हैं या किसी गुरु से आप प्रशासित हैं तो वो भी इससे साफ हो सकता है। उसके बाद फिर यही हाथ ऊपर की ओर जाता है, फिर आप यह हाथ फिर से पेट के ऊपरी हिस्से में रखते हैं, उसके बाद हृदय में रखते हैं, उसके बाद इस जगह, ये सबसे ज्यादा चक्र सबका पकड़ता है पता नहीं क्यों, इस जगह रखें और गर्दन को ऐसे मोड़ ला। उसके बाद ये हाथ यहाँ माथे पर इस तरह से आगे चक्र के सामने के हिस्से में और फिर पिछले हिस्से में इस तरह से रख करके और गर्दन इस तरह से फेंकी जाएगी। उसके बाद हाथ को तान करके उसका तलवा सर के यहाँ तालू पर इस तरह से जमा करके और धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे गोल गोल घुमाया जाएगा और 7 मरतबा इसे घुमाना होगा। इससे आपका ब्रह्मरंध्र का छेदन हो जाएगा। अब कृपया आंख बंद कर लें और आंख न खोलें, चश्मे वगैरह उतार लें क्योंकि इससे दृष्टि भी ठीक होती है। सीधे तरीके से बैठे, न कुछ झुक के बैठे और न ही कुछ तन के बैठे, आराम से सहज आसन में जैसे कहते हैं, सीधे तरीके से जैसे आप रोज बैठते हैं उस तरह से बैठे। अब ये हाथ मेरी ओर कर, आंख बंद कर ले, लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और पूरी समय मेरी ओर रहे, चाहे अपनी गोद में रख लें लेकिन मेरी ओर है। अब राइट हैंड अपने हार्ट पे रखें, आंख बंद कर लें, हार्ट पे रख करके एक मूलभूत प्रश्न मुझसे करें 3 बार, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूं? 3 बार पूछें, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूं? श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूं? 3 बार सवाल पूछें। दूसरा सवाल गुरु तत्व पे रख करके इसी के बाद आना चाहिए, जो कि आपके लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड पर
आपके पेट के ऊपरी हिस्से में इस हाथ को रखकर उसकी उंगलियां दबाएं अंदर की ओर। यह गुरु तत्व है। यहाँ पर प्रश्न करें, दूसरा जो बड़ा मूलभूत है, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? तीन बार ये सवाल करें, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? तीन बार सवाल पूछे। इसके बाद ये राइट हैंड फिर से लेफ्ट साइड पर पेट के निचले हिस्से में रखा गया और दबाया गया। इस जगह हाथ रख के कहा जाएगा, कारण मैं आपकी स्वतंत्रता के हक को नहीं छीन सकती, आप स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो कह सकते हैं और न चाहें तो न कहें। अगर आप चाहते हैं तो आपको ये कहना होगा कि श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। आपको कहना होगा, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। छह मरतबा कहिए, श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। विनम्र भाव से कहना होगा, प्रेम से, श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। अब इस हाथ को, राइट हैंड को पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में फिर से दबा कर रखें। ये फिर आपका गुरु तत्व है। यहां आपको गुरु तत्व पे हाथ रख करके ये जानना चाहिए कि आपकी कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया है। तो इस चक्र को खोलने के लिए पूर्ण आत्मविश्वास से आप 10 मरतबा कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। 10 मरतबा कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ कहें। ये 10 मरतबा कही, 10 मरतबा कहना होगा, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूं। मैंने आपसे बताया है कि गुरु के 10 तत्व है हमारे अंदर। अच्छा चल, अब अपना राइट हैंड हृदय पे फिर से रखा जाए और फिर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 12 मरतबा कहना होगा, श्री माता जी मैं स्वयं ही आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं केवल आत्मा हूँ। 12 मरतबा कही। विश्वास से कहें, अब ये जानना चाहिए कि परमात्मा दया और करुणा के सागर है, प्रेम के सागर है, लेकिन सबसे अधिक वो क्षमा के सागर है। इसलिए उनकी क्षमा की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखते हुए हमें विश्वास कर ले कि हम कोई सा भी ऐसा दोष नहीं कर सकते जो वो क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए अपना राइट हैंड
कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण है वहां पर पीछे तक पकड़ के रखे और राइट हैंड से पकड़े और गर्दन को अपनी राइट साइड में मोड़ दे, गर्दन को राइट साइड में मोड़ दे पूरी तरह से। इस जगह पूर्ण आत्मविश्वास से फिर कहें, श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूं। पूर्ण आत्मविश्वास से कहें, श्री माता जी मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूं। 16 मर्तबा कहिए, क्योंकि इस चक्र में 16 पंखुड़ियां हैं श्री कृष्ण की। मैं बिल्कुल ही दोषी नहीं हूं। अब अभी हाथ को, राइट हैंड को उठा करके अपने माथे पर आड़ा रखें, कपाल पर आड़ा रख के दोनों तरफ से दबाएं और लेफ्ट हैंड हमारी ओर रखें। यहां पर पूर्ण हृदय से कितनी बार से मतलब नहीं, ये कहिए कि श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। पूर्ण हृदय से कहें, मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब यह ना सोचिए कि हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, आखिर आप करें चाहे ना करें आप कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन जब आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप दूसरों के हाथ खेलते हैं। इसलिए कहिए कि श्री माता जी मैंने सबको पूर्णतया क्षमा कर दिया। पूर्ण हृदय से कहें। अब यह हाथ आप सर के पिछले हिस्से में ले जाएं और पूरी तरह से सर को फेंक करके और विनम्र भाव से कहें कि परमात्मा मैंने आपकी शान में कोई गलती की हो तो मुझे आप क्षमा कर दीजिए। पूर्ण हृदय से कहें, इसमें फिर से अपनी गलतियां ना गिनिएगा। अब अपना हाथ जोर से तान करके और उसका तलवा बराबर बीचों बीच तालू पर रख के धीरे धीरे अपने तालू की जो त्वचा है, जो उसका स्किन है, उसे धीरे धीरे घुमाए, जिसे स्कैल्प कहते हैं, उसे धीरे धीरे घुमाया जाए 7 मर्तबा। नीचे ले लीजिए, धीरे धीरे आंख खोलिए। देखिए आप निर्विचार हो गए, विचार कोई नहीं आ रहा। अब अपना राइट हैंड हमारी ओर इस तरह से रखें सामने की तरफ और लेफ्ट हैंड सर के ऊपर कोई 4 इंच 5 इंच ऊपर, देखिए कि कोई ठंडी हवा आ रही है या नहीं। किसी किसी के गर्म आएगी जो आज पहली मर्तबा आए, विशेष करके कोई हर्ज नहीं। अब ये हाथ नीचे करें और इस हाथ से देखिए
अब इस हाथ को महावीर चक्र की पकड़े लोगों को, इसका मतलब थोड़ी थोड़ी शिकायत है आपको लिवर की। अब दोनों हाथ आकाश की ओर इस तरह से करके सर पीछे की ओर फेंक करके एक सवाल पूछे कि श्री माता जी क्या ये ब्रह्म शक्ति है, श्री माता जी क्या यह प्रभु प्रेम की शक्ति है, क्या यह रुतंबरा प्रज्ञा है। तीन बार पूछिए, अब आप हाथ नीचे लीजिए, इस तरह से हाथ करिए और विचार नहीं करिए। आप मेरी ओर देखकर विचार ना करें, आप कर सकते हैं, बिल्कुल विचार ना करें। अब जिन लोगों के हाथ में, दोनों हाथ में ठंडी ठंडी हवाई हो और जिनके सर में भी ठंडी ठंडी हवाई हो, ऐसे लोग चाहे हाथ में आई हो चाहे सर में आई हो, दोनों हाथ ऊपर करें। अधिकतर लोग तो हो गए पार, देखिए सबके सब लोग पार हो गए। Why don't you turn the light? फिर से हाथ ऊपर करिएगा, देखें कितने लोग हैं, मुझे लाइट पे दिखाई दे। जस्ट टर्न द लाइट। देखिए अधिकतर लोग पार हो गए, कुछ लोग हैं नहीं हुए, कोई बात नहीं। आप लोग अब ये जो फॉलो ऑन प्रोग्राम है उसमें जरूर जरूर आइए। यहाँ पर डॉक्टर तलवार हैं और डॉक्टर रुस्तम बरजोर जी हैं, डॉक्टर वॉरेन हैं और भी सहयोगी लोग यहाँ ठहरे हुए हैं, डॉक्टर बगदान हैं, डॉक्टर डेविड हैं, ये लोग सब यहाँ ठहरे हुए हैं आपके लिए और पूर्ण आप पर मेहनत करेंगे। और इसके अलावा हमारे सहयोगी कलकत्ते में भी बहुत अच्छे हैं, सब आप पर मेहनत करेंगे और आपको ऐसा बना देंगे कि आप भी दूसरों को दे सकें। अब ये जानना चाहिए कि ये क्या कार्य सोचने विचारने से नहीं हुआ है, कुछ भी करने से अक्रिया में हुआ है, इसलिए इस पर कोई वाद विवाद विचार नहीं करना चाहिए। शांत चित्त से घर जाएं और अपना ध्यान यहाँ रख करके और सो जाएं। इसके बाद यहाँ पर किताबें हैं, उन किताबों को आप लेते जाइए, उसमें हमारा फोटो भी है। आश्चर्य की बात है कि फोटो में भी चैतन्य की लहरियां हैं, उसको इस्तेमाल करिए जब तक जरूरत है, उसके बाद आप स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि हमारी जितनी भी शक्तियां हैं सब आप अपने अंदर धारण कर लीजिए, इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई गौरव की बात नहीं है।